આજે પાંચ રાજ્યોની ચૂંટણીની થઈ શકે છે જાહેરાત. બપોરે 12 વાગે ચૂંટણી પંચ તેની જાહેરાત કરશે. રાજસ્થાન, મધ્યપ્રદેશમાં ચૂંટણીની જાહેરાત થશે, તો છત્તીસગઢ, તેલંગાણા, મિઝોરમમાં થશે ચૂંટણીની જાહેરાત. રાજસ્થાન, મધ્યપ્રદેશમાં એક તબક્કામાં ચૂંટણી થઈ શકે છે, જ્યારે મિઝોરમ અને તેલંગાણામાં એક તબક્કામાં ચૂંટણી, જ્યારે છત્તીસગઢમાં આ ચૂંટણી બે તબક્કામાં થવાની શક્યતા છે. નવેમ્બરના બીજા સપ્તાહથી ડિસેમ્બરના પહેલા સપ્તાહમાં થઈ શકે છે ચૂંટણી. મધ્યપ્રદેશની 230 બેઠકો છે, રાજસ્થાનની 200 બેઠકો છે, છત્તીસગઢની 90 બેઠકો છે, પરંતુ ત્યાં બે તબક્કામાં ચૂંટણી યોજાનાર છે. કારણ કે છત્તીસગઢમાં કેટલાક નક્સલી વિસ્તારમાં અલગથી ચૂંટણી યોજાતી હોય છે દર વર્ષે, ત્યારે દર 5 વર્ષે, ત્યારે તેલંગાણાની 119 અને મિઝોરમની 40 બેઠકો માટે જામશે ચૂંટણીનો જંગ. 12 વાગ્યાની આસપાસ ચૂંટણી પંચ એક પ્રેસ કોન્ફરન્સ કરશે અને એમાં પાંચ રાજ્યોની ચૂંટણી જે છે તેની જાહેરાત થઈ શકે છે. મધ્યપ્રદેશ, રાજસ્થાનમાં સાથે તેલંગાણા, મિઝોરમ અને છત્તીસગઢમાં ચૂંટણીની જાહેરાતનું એલાન થઈ શકે છે. સંભવતઃ માનવામાં આવે છે કે નવેમ્બરના બીજા સપ્તાહ અને ડિસેમ્બરના પહેલા સપ્તાહમાં આ ચૂંટણીની તારીખો જાહેર થઈ શકે છે, અને સાથે જ ડિસેમ્બરમાં જેવી જ બીજા તબક્કાની ચૂંટણી પૂર્ણ થાય તેવી તરત જ તેનું પરિણામ પણ મતગણતરી હાથ ધરાશે અને તેનું પરિણામ આવી જશે. એટલા માટે લોકસભાની ચૂંટણી પહેલાં આ ચૂંટણી ખૂબ જ મહત્ત્વની છે. પાંચ રાજ્યોની આ ચૂંટણીની જાહેરાત આજરોજ થઈ શકે છે. બપોરે 12 વાગે ઇલેક્શન કમિશન ચૂંટણી પંચ જાહેરાત કરશે અને જાહેરાત થતાની સાથે જ ચૂંટણી પ્રચાર જોરશોરથી કરવામાં આવશે. અજય અમારી સાથે જોડાઈ ગયા છે. અજય, આજ ઇલેક્શન કમિશન પ્રેસ કોન્ફરન્સ કરકે જો પાંચ રાજ્યો કે વિધાનસભા કે ચુનાવ હૈ ઉસ અંગે કા ઉસકા એલાન કર સકતે હૈ, કિસ કિસ તારીખો મે યે એલાન હો સકતા હૈ, ક્યા સંભાવના જતાઈ જા રહી હૈ? देखिए, निश्चित तौर पे पांच राज्यों में जो विधानसभा चुनाव होने वाले हैं उस पर पूरे देश भर की जो नज़रें हैं वो टिकी हुई है. इसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि 2024 के लोकसभा चुनाव से ठीक पहले ये विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं. ऐसे में माना जा रहा है कि इन विधानसभा चुनावों के जो भी परिणाम होंगे उसका कहीं ना कहीं फ़ायदा उठाने की कोशिश जो भी पार्टी जीतेगी वो लोकसभा चुनाव में करेगी. इसी वजह से इसका महत्व है. खास करके मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मिजोरम, ये पांच राज्य हैं जहां पर विधानसभा चुनाव होने वाले हैं. लेकिन अगर आंकड़े की बात करें तो अभी जो मध्य प्रदेश है वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, लेकिन पिछले विधानसभा चुनाव में वहाँ पर कांग्रेस जीती थी और बीच में कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के साथ कुछ कांग्रेस के विधायक आए थे जिसकी वजह से वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी थी. राजस्थान में खुद कांग्रेस की सरकार चल रही, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार चल रही है और तेलंगाना में बीआरएस की सरकार चल रही है. इसी तरह से मिजो नेशनल फ्रंट की जो है वहां पर सरकार चल रही है. राजस्थान में 200 सीटों पे चुनाव होना है, जबकि छत्तीसगढ़ में 90 सीटों पर, तेलंगाना में 119, मध्य प्रदेश में 230 सीटों पर और मिजोरम में 40 सीटों पर विधानसभा चुनाव होना है. और खास करके तारीखों की अगर बात करें तो माना ही जा रहा है कि नवंबर में जो चुनाव की डेट है उसका अनाउंसमेंट हो सकता है और दिसंबर तक विधानसभा के जो कार्यकाल है वो एक तरह से कई विधानसभाओं का ख़त्म हो रहा है, इसलिए उसमें कई राज्यों की सरकार बनाई जा सकती है. उसकी डेट फिलहाल देखना होगा कब दी जाएगी, लेकिन माना जा रहा है कि अधिकतर राज्यों की एक फेज में जो विधानसभा चुनाव की जो वोटिंग है वो होगी और हो सकता है कि छत्तीसगढ़ का दो फेज में चुनाव हो, क्योंकि पिछली बार दो फेज में हुआ था. छत्तीसगढ़ नक्सल प्रभावित है, हालांकि नक्सल की घटनाएँ अभी फिलहाल कम हुई हैं, तो ये देखना होगा कि इलेक्शन कमीशन की तरफ से इस बार दो चरणों में छत्तीसगढ़ का चुनाव कराया जाता है या एक चरण में. तो फिलहाल 12 बजे यह प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है, क्या कुछ इसमें डिटेल आनी है वो इलेक्शन कमीशन की तरफ से अनाउंसमेंट किया जाएगा. लेकिन सभी पार्टियों की तरफ से जो तैयारियां हैं जोर शोर से की जा रही हैं. खास करके भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अगर बात करें तो खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तमाम सारे राज्यों में इस पूरे चुनावी कैंपेन को लीड करते हुए नजर आ रहे हैं और अधिकतर राज्यों में सिर्फ पीएम मोदी ही भारतीय जनता पार्टी के चेहरे के तौर पर स्थापित किए जा रहे हैं, जबकि कांग्रेस शासित राज्यों में जो वहाँ के मुख्यमंत्री हैं उनके चेहरे पर कहीं ना कहीं चुनाव लड़ा जा रहा है. लेकिन कांग्रेस की तरफ से भी किसी को मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार नहीं बनाया गया और यही कहा जा रहा है कि जो विधानसभा चुनाव के परिणाम होंगे उसके बाद मुख्यमंत्री का चयन किया जाएगा. तो जोर आजमाइश सब तरह से चल रही है, लेकिन 2024 से लोकसभा चुनाव से पहले ये जो विधानसभा चुनाव होने वाला है ये बहुत कुछ कहने वाला है और सभी की निगाहें कहीं ना कहीं इन पांच राज्यों के विधानसभा चुनाव पर टिकी हुई है. बिल्कुल, धन्यवाद, ज्यादा अपडेट के लिए आपके संपर्क में रहेंगे. તો પાંચ રાજ્યોની ચૂંટણી અને એમાં વર્ષ
खास मिजोरम की बात करिए तो भारतीय जनता पार्टी ने वर्ष 2018 विधानसभा चूंटणी में 40 में एक जयरे अन्य फाड़े 8 बैठक गई थी। एमएनएफ फाड़े वधु बैठक जता तेने सरकार बनावी हती तो कुल 40 बैठकों पर विधानसभा की चूंटणी थवानी छे। मिजोरम की बात करिए तो मध्यप्रदेश में 230, राजस्थान में 200 और छत्तीसगढ़ में 90 बैठक पर चूंटणी योजाशे। राजस्थान की बात करिए तो भारतीय जनता पार्टी ने 73 जयरे कांग्रेस ने 100 बैठकों मिली थी और कांग्रेसे सरकार बनावी थी, परंतु राजस्थान में खास कर दर 5 वर्षे जयरे विधानसभा की चूंटणी योजाती हो तरह राजस्थान की जनता जे छे ए दरेक वक्त सरकार बदलती हो, एक वक्त कांग्रेस एक वक्त ने भाजप ने वधु टिकट वधु बैठकों मळती होय छे। कुल 200 बैठकों माटे विधानसभा की चूंटणी राजस्थान में थवा जई रही है, तरह नवम्बर प्रथम सप्ताह में त्या चूंटणी योजाई शके छे। त्यारे मिजोरम में सौथी वधु एमएनएफ 27 बैठकों जीती और सरकार बनावी हती। वर्ष 2018 में खास वर्तमान स्थिति की अत्यारे बात करिए तो भारतीय जनता पार्टी ने 127 बैठक मिली थी, जयरे कांग्रेस ने 96 बैठक मिली थी। आ मध्यप्रदेश की बात थी रही है, जयरे के 5 राज्यों में जयरे चूंटणी थवा जई रही है तरह खास आ वक्त की चूंटणी एटला माटे महत्वनी है कारण के लोकसभा की चूंटणी है और सतत 2 वक्त लोकसभा में भारतीय जनता पार्टीए बहुमत हासिल करता आ वक्त पण खास भारतीय जनता पार्टी द्वारा एनडीए द्वारा एवं कहेवामां आवी रह्युं छे के लोकसभा की चूंटणी आ वक्त पण तेओ जीतशे। त्यारे ए पहला भारतीय जनता पार्टी ने 5 राज्यों में वधु में वधु राज्य तेने मळे ते खूब ज महत्वपूर्ण। समाचार में आगळ वात करीए तो राज्य में गुलाबी ठंडी शुरू थी गई है। राज्य में सवारनुं तापमान गगड़वानी पण शुरुआत थी है। मोटाभागना जिल्लाओं में तापमान में 1 डिग्री घटाड़ो थयो छे। गांधीनगर में लघुत्तम तापमान 21.5 डिग्री नोंधायुं छे, ज्यारे अमदावादनुं लघुत्तम तापमान 23.7 डिग्री नोंधायुं छे। आगामी दिवस में हजू पण तापमान में घटाड़ो थशे। तो राज्य में गुलाबी ठंडी की शुरुआत थी गई है। चौमासाए विधिवत रीते विदाय लई ली है त्यारे हवे बदलाता वातावरण अहसास राज्यवासियों ने थई रह्यो छे। राज्य में गुलाबी ठंडी की शुरुआत थी गई है। सवारे ठंडी और बपोरना समय गर्मी अहसास अत्यारे थई रह्यो छे। तो नवरात्रिनी आतुरताथी राह जोता खेलैयाओ माटे माठा समाचार छे। हवामान निष्णांत अंबालाल पटेले नवरात्रि में वरसादनी आगाही करी छे। अंबालाले आगाही करी छे के वेस्टर्न डिस्टर्बन्स ने कारणे राज्य में वरसादनी शक्यता रहेशे। तारीख 12 ऑक्टोबरे अरब सागर में हाई प्रेशर सर्जाशे, जेने लईने तारीख 13, 14 अने 15 ऑक्टोबरे समग्र गुजरात में वादळछायुं वातावरण रहेशे। अंबालाल पटेल की आगाही प्रमाण तारीख 18 अने 19 ऑक्टोबरे उत्तर अने मध्य गुजरात में वरसाद पड़ सके छे। तो पूर्वीय देशों तरफ थी आवता चक्रवात ने लईने बंगाल की खाड़ी में पण हलचल जोवा मळी सके छे। आ उपरांत तारीख 16 थी 24 नवेम्बर में बंगाल उपसागर में चक्रवात आकार लई सके छे। નવરાત્રિમાં પશ્ચિમી વિક્ષેપ મજબૂત આવી ગયો છે તારીખ 17 થી 19, જેના કારણે રાજસ્થાનના સરહદના ભાગોમાં, ઉત્તર ગુજરાતના ભાગોમાં, પંચમહાલના ભાગોમાં અને કંઈક અંશે મધ્ય ગુજરાતના ભાગોમાં વરસાદ થવાની શક્યતા રહેશે। અને બીજી વાત કરીએ તો તારીખ 17 ઓક્ટોબરથી દરિયા કિનારે ભારે પવન ફૂંકાશે, અરબ સાગરના દરિયા કિનારે ભારે પવન ફૂંકાશે, બંગાળ ઉપસાગરમાં ભારે ચક્રવાત થવાની શક્યતા રહેશે। એટલે આ ચક્રવાતો જે છે 20 એકમમાં પણ ભેજ આવશે, અરબ સાગરના પવનોમાં પણ ભેજ આવશે, એટલે ભેજ ગ્રહિત વાતાવરણના કારણે વરસાદ થવાની શક્યતા રહેશે। અત્યારે 7 થી 10 માં પ્રથમ હિમ વરસાદ થવાની શક્યતા રહેશે અને જેથી ઉત્તરીય પર્વતો પંજાબ હરિયાણા રાજસ્થાન ભાગમાં હમણાં તારીખ 10 સુધીમાં વરસાદ થવાની શક્યતા રહેશે, તે પછી પણ વરસાદ થવાની શક્યતા 12 થી 14માં, પરંતુ 17 થી 19 જે વિસ્તાર છે તે મજબૂત હશે। એટલે આ એક પછી એક આજે વિસ્તાર ડિસ્ટર્બન્સથી ગુજરાતમાં ઉષ્ણતામાનમાં લગભગ એની અસર થશે। તો વડોદરામાં યુનાઇટેડ વે ગરબાના આયોજક સામે ફરિયાદ કરવામાં આવી છે। તડસાલી વિસ્તારની 2 યુવતીઓએ ફરિયાદ કરી છે। ગરબામાં પોલીસ કલેક્ટર કચેરીના અધિકારીની માંગ કરી છે, ચેરિટી કમિશનર કચેરીના અધિકારીની નિમણૂક કરવા માંગ કરાઈ છે।
गत वर्षे मैदान में कांकरीना कारणे खेलैयाओने परेशानी थई हती, तो गरबा में युवतीए ई सिगरेट पीता धार्मिक लागणी दुबाई हती, जेने लईने युनाइटेड वे गरबाना आयोजको सामे फरियाद दाखल करवामां आवी छे। चेरिटी कमिशन में आ फरियाद थई छे। तड़साली विस्तार की बे युवतीओ फरियाद नोंधावी छे। निमिषा अने रीना गज्जरे वकील अनंत क्रिश्चन मार्फते आ फरियाद करी छे। तो नवरात्रि एटले मात्र गरबा रमवा नहीं, परंतु साथे साथे माताની આરાધનાનો પર્વ છે। ત્યારે આ નવરાત્રીમાં ખેલૈયાઓ માટે તિલક ને VHPએ સમર્થન આપ્યું છે, અને બજરંગ દળના કાર્યકર્તાઓએ પણ સુરેન્દ્ર જૈન દ્વારા આહવાન કરવામાં આવ્યું છે કે તેઓ ગરબાના ગ્રાઉન્ડની બહાર ઊભા રહીને તમામના આધાર કાર્ડ ચેક કરે, અને સાથે જ તિલક લગાવવું હોય તેમજ આઈડીમાં ધર્મ લખેલો છે તે પણ ચેક કરવામાં આવે। घुसने ना दे, कोई आना चाहता है तो उसके तिलक लगना चाहिए, हर व्यक्ति को लगना चाहिए, हाथ पे कलावा होना चाहिए।